तो वीर्य हम जब भी जांच के लिए देते हैं, जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं या वीर्य की जांच कहते हैं, तो उसमें एक और वो हम जांच का हमारा पर्पस होता है कि हम उसमें शुक्राणु और ये सब देखना चाहें कि हमारे बच्चे पैदा होने की क्षमता में कहाँ कमी है। तो उसमें एक तो चाहते हैं कि सीमन जो है वो 3 से 5 दिन के ठहराव का हो, कि मतलब पिछले 3 दिन तक वीर्य ना निकला हो और 5 दिन से ज़्यादा भी ना हुए हों उसे निकले हुए। तो 3 से 5 दिन का ठहराव वीर्य का सबसे उचित होता है वीर्य की जांच के लिए। और वीर्य जब भी जांच के लिए दिया जाता है तो हस्त मैथुन करके दिया जाता है, ये नहीं कि सेक्स करा आपने और वेजाइना के अंदर से उसको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब उसमें वेजाइनल स्राव और मिल जाते हैं तो उसमें और दूसरे चीज़ें उसमें मिश्रित हो जाती हैं, तो उस वीर्य को हम जांच के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं।